हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो। तो भाई, अगर आप एक जियो सिम यूज़र हो, आपका जियो का इंटरनेट बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रहा है, तो कृपया करके आप इस वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक वॉच करें। यहाँ पर मैं आपको जियो की एक ऐसा खास एपीएन सेटिंग बताने वाला हूँ, जिसको करने के बाद आपका इंटरनेट पहले के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। और अगर आप कोई दूसरा कंपनी का सिम यूज़ कर रहे हो, तो प्लीज़ यार नीचे कॉमेंट में उस सिम का नाम मैंशन करके बता देना, मैं उसके ऊपर भी एपीएन सेटिंग ले आऊँगा, जिसको करने के बाद आपका इंटरनेट पहले से भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। तो कृपया करके आप कॉमेंट जरूर करना। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पर हमेशा मिलता रहेगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हाँ तो भाई, मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने फोन के सेटिंग को ऑन कर देना है। सेटिंग को ऑन करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सिम कार्ड्स एंड मोबाइल नेटवर्क का, तो सीधा इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पर वही सिम सिलेक्ट करना है जिस भी सिम से आप इंटरनेट यूज करते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वन सिलेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि मैं वन से इंटरनेट यूज करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मोबाइल नेटवर्क के नीचे एक्सेस पॉइंट नेम्स का ऑप्शन है, तो इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एपीएनस के ऑप्शन पे लेके आ जाएगा, और सबसे नीचे आप देख सकते हो न्यू एपीएन प्लस का आइकॉन देखने को मिल जाएगा, तो सीधे इसके ऊपर टैप कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर टैप करेंगे, तो आपको यहाँ पर एडिट एक्सेस पॉइंट नेम पे लेके आ जाएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हो पूरी के पूरी डैशबोर्ड शो हो जाएगा आपको, और यहाँ पर हमको कुछ एडिट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको नेम का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको एक सामने यहाँ पर कीबोर्ड आ जाएगा, तो आपको यहाँ पर कुछ लिखना होगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं लिख रहा हूँ, ठीक उसी तरह से आपको लिखना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर कैपिटल जे लिख देना है, देन उसके बाद जियो लिखना है, और उसके साथ ही आपको 4G लगा देना है। ठीक है, तो जैसे ही मैं लिख रहा हूँ, ठीक उसी तरह से आप लिखिए, देन उसके बाद आपको यहाँ पर एक स्पेस देना होगा, उसके बाद आपको फिर कैपिटल में लिखना है, और यहाँ पर प्लग इन लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जियो कैपिटल है और पी कैपिटल है, और उसके बाद आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पर सेकंड में मिल जाएगा एपीएन, तो इसके ऊपर टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पर आपको 800 ए जो है वो कैपिटल लिखना है, देन उसके बाद आपको यहाँ पर 00 लिख देना है, देन उसके बाद 6 लिख देना है, और उसके बाद आपको एक स्पेस देना होगा, देन उसके बाद आपको यहाँ पर सो भी स्मॉल लेटर में जियो नेट लिख देना है। ठीक है, तो जैसे ही मैं लिख रहा हूँ, ठीक उसी तरह से आपको लिखना है, देन उसके बाद ओके कर देना है। तो हमारा अभी एपीएन सेटिंग भी हो चुका है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर प्रॉक्सी और पोर्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो उनको छोड़ देना है, और नीचे आपको देखने को मिल जाएगा यूजर नेम, तो इसको सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ए कैपिटल में लिखना है, देन उसके बाद आपको यहाँ पर फिर से 006 लिख के ओके कर देना है। तो यहाँ पर यह छोटा सा काम है, ये कर दीजिए। देन उसके बाद आपको आना है सर्वर पर, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर पासवर्ड को छोड़ के सर्वर नीचे दिख रहा होगा, तो इसके ऊपर टैप कीजिए। टैप करने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है, जो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना होगा, जो भी मैं लिख रहा हूँ वो अच्छी तरह से देख के लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर www. यहाँ पर लिखना है, देन उसके बाद आपको यहाँ पर GO4G दिख देना है, जैसे ही मैं लिख रहा हूँ ठीक उसी तरह से आपको लिखना है, और यहाँ पर आपको प्लग इन लिख देना है, PLUGIN यहाँ पर प्लग इन डॉट इन लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही मैं लिखा हूँ ठीक उसी तरह से आपको भी टाइप करना है, देन उसके बाद ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है, आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डायरेक्ट, ये सारे के सारे आपको छोड़ देना है, MSC प्रॉक्सी, MMS पोर्ट, ये सारे के सारे आपको छोड़ देना है, और यहाँ पर आपको ऑथेंटिकेशन टाइप देखने को मिलेगा, तो इसको सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सबसे नीचे आपको दिख जाएगा पेप और चैप का ऑप्शन, तो इसके ऊपर टैप कर देना है। जैसे आप इसको टैप करेंगे, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। देन उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर एपीएन प्रोटोकॉल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इसको भी सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर IPv4/IPv6 सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर ओके कर दीजिए। यहाँ पर टिक उसी तरह से आपको रूमिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, एपीएन रूमिंग प्रोटोकॉल को, तो यहाँ पर सेम ही सिलेक्ट करना है, IPv4/IPv6। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा जो भी है ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पर लास्ट जो काम है, आपको यहाँ पर आना है वेरियर पर, और यहाँ पर इसको सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद अनस्पेसिफाइड को डिसेबल कर दीजिए। डिसेबल करने के बाद यहाँ पर LT से लेके आपको GPRS तक सभी को सिलेक्ट करना है। जैसे ही मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ठीक उसी तरह से आपको सिलेक्ट करना है, देन ओके कर देना है। ओके करने के बाद नीचे की तरफ आपको एक मोर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद हमारा जो एपीएन है वो पूरी तरह से सेट हो चुका है, और आपको यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद अपने फोन को एक बार रिस्टार्ट कर दीजिए। रिस्टार्ट करने के बाद आप इस नेटवर्क को यूज कर सकते हो। बहुत ही तेजी से इंटरनेट चलेगा, आपके जो पुराने वाला नेट था उससे कहीं ज्यादा फास्ट चलेगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको यह नॉलेज मिल गया होगा कि किस तरह से आपको ये न्यू एपीएन सेटिंग करना है अपने जियो सिम के ऊपर। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर अगर न्यू आए हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पर हमेशा मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।